बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ते की शुरुआत होनी है और कई सारे ट्रिगर्स, अब तक कहते थे हम लोग डोमेस्टिक ट्रिगर्स नहीं है, इस हफ्ते ट्रिगर्स की भरमार है। क्रेडिट पॉलिसी फ्राइडे को, तो टीसीएस के रिजल्ट्स सीजन को आगाज कर देगा फ्राइडे को। फेस्टिविटीज की शुरुआत होगी, पितृपक्ष की समाप्ति होनी है, साथ साथ आज ओपेक की बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक स्केड्यूल्ड है और बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में जिन पे सबकी नजरें गड़ी हुई है, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो, डॉलर इंडेक्स हो, कच्चा तेल हो। तो ऐसे में इवेंट बहुत हैं जिन्हें बाजार को डाइजेस्ट करना है, देखते हैं किस तरह का वो डाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन क्विकली स्क्रीन्स पर आपके यूएस मार्केट्स फ्राइडे को, फ्राइडे कह लीजिए या वहां पे लिखा जा रहा था भाई अक्टूबर मंथ की स्टार्ट, अक्टूबर महीने का आगाज पॉजिटिव हुआ, 1 से लेकर 1.5% उछाल के साथ वहां पे क्रॉस बेंचमार्क कामकाज हुआ और हमने जो डाइजेस्ट किया था उससे तो कहीं बेहतर, हम दबाव नेगेटिव डाउ फ्यूचर्स डाइजेस्ट करके गए थे और हुआ अच्छी खासी तेजी, जो डाइजेस्ट किया था उससे बेहतर यूएस में मोमेंटम था। पर उस तरह का मूड, उस तरह का मोमेंटम आज सुबह एशिया रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि एक हल्के हरे निशान के साथ, इनफैक्ट हर टिक के साथ एसजीएक्स निफ्टी की तेजी कम होती हुई नजर आ रही है। कुछ देर पहले वो 2/3% ऊपर था, फिर आधा हुआ, 1/3 हुआ, अब तो उससे भी कम गेंस के साथ खुलने के इंडिकेशन है। इसलिए मैं कह रहा हूं वो ओवर द वीकेंड क्यूज असल में एशिया में उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे में नीरज जी, है क्या पिच का गड़बड़ा गई? मुझे लगता है कि यूएस में जो फ्राइडे का हम लोग सेशन देख रहे हैं वो डेड कैट बाउंस टाइप का था। हाँ। और क्योंकि सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, अभी भी सारी समस्याएं एज इट इज वहीं पे। जो एनर्जी वाली क्राइसिस है, कोल की, गैस की, क्रूड की, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। आज एक ओपेक की बैठक है, अगर उसमें कुछ प्रोडक्शन वगैरह बढ़ने की बात आ गई तो पहले से शेड्यूल थी एक रिव्यू होगा इसमें, क्योंकि पिछली बार कुछ हुआ नहीं था, कंटिन्यूएशन में था ना। तो अब उन लोगों को लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, डिमांड मीटअप होगी। लेकिन एक व्यू उसमें ये भी आता है कि आप बढ़ा तो देंगे लेकिन जब प्लेटो बनेगा तो ये ग्लट क्रिएट हो जाएगा जनवरी तक। तो अब ये मतलब तर्क होते हैं ना बढ़ाने के, तो अगर वाले नहीं बढ़ाया प्रोडक्शन तो फिर थोड़ा मुश्किल और बढ़ेगी, लेकिन अगर बढ़ा दिया तो ईज हो जाएगा, क्रूड थोड़ा 75 के आसपास आना चाहिए, लेकिन अभी तो एकदम 80 के आसपास के साथ, एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा यूएस में भी आप देखिए तो नीचे जो 4-5 दिन खूब गिरावटी, वहाँ से सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस है, 5 दिन नैसडैक गिरने के बाद हल्का सा बाउंस, हल्का बाउंस, इसलिए वो सस्टेन मुझे नहीं लगता कि करेगा। इस हफ्ते भी तमाम वही वीकली जॉब डेटा वगैरह सब इंपॉर्टेंट डेटा आएंगे तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। और मैंने कहा था ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो गई अमेरिका में, मॉर्गेज रेट्स बढ़ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है मनी सप्लाई कम हो रही है, तो फिर ट्रेड एडजस्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप देखिए एशियन मार्केट में बहुत अच्छी रैली बनती हुई दिख नहीं रही है, तो थोड़ा डिफेंसिव प्ले करना चाहिए। डिफेंसिव मतलब सेल नहीं है। हाँ सेल, अच्छा ये बात सही है कि वो डेड कैट बाउंस हो सकता है या फिर बहुत दिनों के प्रेशर का हल्का सा एक फौरी रिलीफ थी, क्योंकि आज फिर डाउ फ्यूचर्स, नैसडैक फ्यूचर्स लाल में ही ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो सब मूड आपको एसएक्स निफ्टी में रिफ्लेक्ट होता हुआ, लार्जली खरीदारी करने का मन है, लार्जली कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स खरीद की साइड है, इक्का दुक्का सेल कॉल्स भी हों आज के, लेकिन वो ना कि स्पेसिफिकली निफ्टी पे कॉल लेते हुए बल्कि उनके अंडरलाइंग इवेंट जो प्ले होंगे उसके चलते। शुरुआत कर रहा हूँ ऑटो कंपनी के साथ, देश की, दुनिया की दिग्गज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हीरो मोटोकॉर्प। अब हीरो मोटोकॉर्प की जो बिक्री के आंकड़े बढ़िया लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, साल के हाई 3600-3700 के, उससे अच्छा खासा करेक्शन के साथ कामकाज कर रहा है। जो सेल्स आई है सितंबर महीने की वो मेरे ख्याल से मार्च के बाद से सबसे अच्छा आंकड़ा है, खैर होना भी था, मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। सितंबर में सेल्स आई 5,30,000 यूनिट्स की, बाजार एक्सपेक्टेशंस थी 4,30,000 यूनिट्स, तो अच्छा खासा तरह से वो आप सिर्फ आंकड़ा देखेंगे तो साल दर साल गिरावट नजर आई, पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस हीरो मोटोकॉर्प ने डिलीवर करा है और मंथ ऑन मंथ 17% का जंप है, दरअसल अच्छे नंबर्स हैं। मुझे लगता है थोड़े से गेंस और इक आउट होंगे ऑटो स्वीट स्पॉट में, लास्ट वीक हमने आता हुआ देख लिया 2900 के टारगेट्स यहां पर। अगला स्टॉक इसी कड़ी में, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने थोड़ा सा पॉजिटिव स्प्रिंग अप करा, तो एक ऑटो एंसरी कंपनी जो कि डिपेंडेंट है हीरो मोटोकॉर्प पे सबसे ज्यादा, मुंजाल ऑटो आपकी स्क्रीन्स पर आएगा, साल के हाई ऑलमोस्ट 73-75 रुपीज के, वहां से करेक्ट होकर कामकाज करता हुआ प्योरली हीरो मोटोकॉर्प के स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन बेहतर नंबर्स का एक रब ऑफ हो सकता है। ये लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, इनफैक्ट ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एग्जॉस्ट सिस्टम्स की दुनिया में, और उसके बाद तो एग्जॉस्ट के बियॉन्ड इसने कई सारे प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करा, लेकिन 32,000
पर डे एग्जॉस्ट सिस्टम्स बनाने का इसके पास कैपेसिटीज है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, रॉयल इनफील्ड, एमजी मोटर्स जुड़ गया है, पियाजियो है, ये सब क्लाइंटेल है। ना सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प डिपेंडेंस इसने रिड्यूस करी है उस पर, लेकिन बढ़िया हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स के चलते मैं दरअसल इसको प्ले करना चाहता हूँ। इकलौता इकलौता नहीं, एक और आएगा नीचे। सेल कॉल जो है वो एक ग्रासिम इंडस्ट्रीज तीसरे पायदान पे, और प्योरली इसीलिए क्योंकि एक तगड़ी टैक्स डिमांड आती हुई। आपने वीकेंड में सबने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से, आईटी डिपार्टमेंट ने 8,334 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड रेज करी है। दरअसल कैपिटल गेन्स टैक्स उनका मानना है, कैलकुलेशन करके इतना बनता है, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार को डीमर्ज करा था। कंपनी कह रही है भाई अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, बट ऑब्वियसली अमाउंट बड़ा है तो फर्दर अथॉरिटीज को के पास जाने की कोशिश तो होगी, लेकिन ओवरहैंग बन गया तगड़ा वाला। और ग्रासिम वो स्टॉक था जो ऑलमोस्ट अच्छे मोमेंटम के साथ नियर ईयर हाईज खड़ा हुआ था, वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई खबर 1630 के टारगेट। बियर वाली कंपनी का टैक्स वो जो बना था पेनल्टी, सीसीआई वाला मामला था, हाँ, वो सॉल्व हुआ या नहीं कुछ? नहीं, अभी कहाँ से, अब तो वो जाएंगे, उनको भी करना ही पड़ेगा, उनका भी अमाउंट बड़ा है 750 करोड़ रुपए। तो खबर लगी थी लोन लेके देना पड़ेगा उनका 750 था, इनका 8,000। ये भगवान इतनी भयंकर वसूली। अच्छा, हमने स्ट्रेटजी ये बनाई कि देखिए मार्केट में डिफेंसिव प्ले में जाना चाहिए, तो एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स हमने खासतौर पर लिए, नंबर्स उसके भी बड़े अच्छे दिख रहे थे, डीमार्ट के बेच बाज लिया काफ़ी कुछ। तो मुझे लगता है कि जब मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है या मुश्किलें दिख रही, वहाँ पे डिफेंस में जाना चाहिए। इसलिए डाबर, इमामी और ब्रिटानिया जैसे शेयर लीजिए, दो रीज़न से। एक तो जो फूड इन्फ्लेशन है वो हल्का हल्का ईज आउट हो रहा, तो इनके लिए जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो कम है। पंजाब में आप देखिए तो अभी जो लेटेस्ट क्रॉप है 1,90,00,000 टन अनाज धान की खरीद के लिए एकदम तैयार है और प्रोडक्शन हुआ है। तो जो गेहूं और इन सब की जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट नीचे आ रही है, वो इनको एक बेनिफिट होगा। दूसरा मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है तो उसमें जो छोटा वाला कंजम्पशन है, फूड वाले आइटम्स है, उसमें अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो इसीलिए डिफेंसिव प्ले लिया, और मार्केट जब वीक दिखा तो एफएमसीजी में जाना ही चाहिए, तो इसलिए डाबर, इमामी और ब्रिटानिया, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर, ये 5 शेयर हमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी आती हुई मिलेगी। और ये इंडिकेशन भी दिख रहे हैं चैनल चेक में, आप देखिए तो यही लोगों के कंजम्पशन में ज़्यादा बढ़ा देखने को मिल रही है। आज का अच्छा, अगले बैंक्स हैं, और पिछले हफ्ते भी मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ कि उम्मीद जाग रही थी मेरी अच्छे लेवल्स पर, कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बाउंस करना चाहिए तो यहीं से करना चाहिए, करके नहीं दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, तो बैंक्स में एक स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस है, और अब तक इस तरह के कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं आए कि वो अंडर परफॉर्मेंस करेक्ट होता हुआ नजर आएगा, तो आप वो ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी बैंक्स को लेकर अच्छी खबरें, और मानना था मेरा कि निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए, वो नहीं आया है, तो मैं बहुत सिलेक्टिव हो गया हूँ। अदरवाइज शुरू कर रहा था, मैं कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक दिग्गज लेना चाहता था, वो नहीं ले रहा हूँ। कुछ छोटे और जहाँ पे खबरें उन्हीं के थ्रू इन बैंक के मोमेंटम को, होपफुली बैंक के मोमेंटम को चेज करने की कोशिश। इंडियन बैंक पहला सरकारी, ये वैसे सरकारी में ऑफ रेट तेजी आई, पर तेजी उन सरकारी में आई जिनमें दिक्कतें हैं, है ना, जो पीसीए फ्रेमवर्क के बाहर आए, पीसीए फ्रेमवर्क के बाहर आए तो उनके पीयर सेट में अच्छा उछाल आ गया। इंडियन बैंक वगैरह में उस तरह की तेजी नहीं आई। 157 के साल के हाई, एक बढ़िया कंसोलिडेशन में ये बैंक आपको नजर आएगा। लेने की वजह, क्रिसिल ने अपग्रेड करी है बैंक की आउटस्टैंडिंग प्रपोज एडिशनल टीयर वन जो बॉन्ड्स हैं उसको, क्रिसिल AA+ कर दिया स्टेबल आउटलुक के साथ। पहले क्रिसिल AA हुआ करता था स्टेबल आउटलुक के साथ, तो अपग्रेड भी आता हुआ तो भरोसा बढ़ता हुआ। पीएसयू स्वीट स्पॉट में थे, और यहाँ पे खबर का तड़का और बेहतर पेडिग्री, तो 145 का टारगेट। लाइकवाइज यूनियन बैंक, यहाँ पे भी क्रिसिल का बढ़िया अपग्रेड, 45 के साल के हाइज, ये तो मेरे ख्याल से 35-36 रुपए के आसपास फ्राइडे को क्लोज हुआ था। यहाँ पे भी क्रिसिल ने इसकी रेटिंग्स को रिवाइज कर दिया, क्रिसिल AA stable AA- हुआ करता था। तो ये दोनों बैंक्स की क्रिसिल रेटिंग्स एक अपग्रेड आता हुआ, तो थोड़ा सा भरोसा बढ़ता हुआ इनके फाइनेंशियल्स को लेकर। पीएसयू बैंक थोड़े से स्वीट स्पॉट में लास्ट वीक नजर आए थे, पर वो जो स्टॉक्स भागे थे वो थोड़े से वीकर क्वालिटी वाले थे। मुझे लगता है कुछ बेहतर सरकारी बैंक होपफुली आउट परफॉर्म करने चाहिए, उनमें ये दोनों रडार पर रखिएगा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक। नीरज जी, डिपेंडेबल? डिपेंडेबल हमारा HUL है, एक और FMCG. डिफेंसिव FMCG, और मैं लगता है कि इसने थोड़ी चाल दिखाई थी, 200-300 रुपये ऊपर चला, फिर ये कंसोलिडेट कर गया, एक दिन तो बहुत गिरा भी था ये। मैं लगता है कि अब यहाँ पे एक फिर से तेज़ी बनेगी, जब मार्केट में कंफ्यूजन हो या
ऊपरी स्तर पे जरा जो ग्रोथ स्टॉक में दबाव दिखे तो आपको डिफेंस की तरफ जाना चाहिए, और ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ही हैं, साथ साथ जो मैं कह रहा हूँ कि ग्राउंड पे आप जाइए तो आपको कंजम्पशन की थीम बढ़िया दिखेगी, और लोन ग्रोथ के जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा वो भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कंज्यूमर लोन की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, तो छोटे मोटे आइटम वाले प्रोडक्ट में तेज़ी है और डिमांड के नंबर सजेस्ट ही कर रहे हैं कि माल तो वही बेचते हैं ना ये सब, तो मैं लगता है खरीदारी करनी चाहिए। एचयूएल में 2736 का टारगेट लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। माल तो खैर वही बेचता है लेकिन डिमांड दूसरों से बाजार भी खींच रहा है, सारे जगह फुटफॉल खाली है लेकिन डीमार्ट आज भी इतनी भीड़ के साथ। मैंने तो इसीलिए भेजा कि डीमार्ट का स्टॉक चल रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत माल बेचा, मैं सोचा कि बेचते क्या है, इन्हीं का माल तो बेचते हैं और क्या बेचते हैं, एचयूएल का, गोदरेज कंज्यूमर का, डाबर का तो माल तो इनका बिक रहा है यार, तो स्टॉक क्यों नहीं चलना चाहिए। जो बाजार में डिस्काउंट ये ऑफर करते हैं अनमैच्ड है, आई एग्री एवरीवेयर, मतलब जहां मैं गया था वहां भी मैंने देखा शॉप के बाद भीड़ लगी हुई थी, गजब मॉडल खड़ा करना ठीक है। फेडरल बैंक डिपेंडेबल के तौर पे, तो बैंकिंग कड़ी में ये प्राइवेट बैंकिंग हो गया मिड कैप वाला, क्यों ले रहा हूं क्योंकि इस हफ्ते रिजल्ट सीजन का आगाज हो रहा है और रिजल्ट सीजन से पहले क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं जिसमें फेडरल बैंक का अपडेट वाकई अच्छा है। 25 क्वार्टर्स के हाईस पर, यानी कि पिछले 25 क्वार्टर्स में सबसे बेहतर लो कॉस्ट डिपॉजिट रेशियो, लोन ग्रोथ लौटती हुई, मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद इस तरह की ग्रोथ क्वार्टरली नंबर्स में आपको देखने को मिलेगी। तो डिपॉजिट्स में 10% का उछाल साल दर साल, क्यू ऑन क्यू भी 1.5% का इंप्रूवमेंट, एडवांसेस 10% साल दर साल बढ़े, क्यू ऑन क्यू 3.5% का इंप्रूवमेंट, कासा रेशियो 25 क्वार्टर हो गया ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा के सबसे बेहतर लेवल्स पे आके खड़ा हो गया है, आंकड़े अच्छे हैं फेडरल बैंक के। बाकी डिटेल्स आप पढ़ते रहिएगा, एक्सचेंज में अनाउंसमेंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन 84.5 या फिर 85 तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं। थोड़ा सा बाजार को देखते हुए, देखिए आपकी स्क्रीन पर निफ्टी सारे गेन्स वाइप आउट होते हुए, तो वो जो 2/3 ऊपर खुलने की बात करता है निफ्टी, हमारी ओपनिंग से पहले ही अब ये फ्लैट हो चुका है, अभी तो ओपनिंग का समय बचा है, 9 बजे तक देखते हैं किस तरह के रुझान आते हैं, लेकिन डिफेंसिव आइडिया अच्छा है। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत।